नमस्कार। लाडली स्कीम के बारे में आज आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि हरियाणा के वह परिवार जिनके अंदर केवल बेटियाँ ही हैं या फिर जिनके अंदर एक या एक से अधिक बेटियाँ हैं, वो माता पिता लाडली स्कीम के तहत 3,000 रुपये की मासिक पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस तरह से अप्लाई करना है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दूंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं आपको इसमें ज़रूरी होंगे। तो सबसे पहले आपके पास आपकी प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट आती है। मैं आपको दिखाऊंगी ये रिपोर्ट देखने में कैसी लगती है। आपको आसानी से ये मिल भी जाएगी और इस पर आपको अपनी फ़ोटो लगानी है। जो भी इसको अप्लाई कर रहा है उसकी फ़ोटो लगेगी। यहाँ पर पूरा फॉर्म भरना है। अपने गाँव में अगर आप रहते हैं तो वहाँ के सरपंच पटवारी के साइन करवाने हैं, और अगर आप शहर में रहते हैं तो वहाँ के MC के साइन आपको यहाँ पे करवाने होंगे। इसके अलावा जो भी इसको अप्लाई कर रहे हैं, माता या पिता में से जो भी इसे अप्लाई कर रहे हैं, उनका रेजिडेंट सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये रेजिडेंट सर्टिफिकेट आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो मैंने बना रखे हैं। और अगर आप चाहें तो किसी भी नज़दीकी CSE सेंटर पर जाकर भी अपने रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जिसको कि हम बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करूंगी तीसरे डॉक्यूमेंट की, जो है बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपके पास एक बेटी है तो एक बेटी का ही जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, पर मान लीजिए कि इन केस आपके पास चार बेटियां हैं तो चारों ही बेटियों का जन्म प्रमाण पत्र यहां पे लगेगा। इसके अलावा जो इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, माता या पिता, उस दोनों ही केसेस के अंदर उनका जन्म का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए अगर जन्म का प्रूफ नहीं है तो कोई भी 10वीं 8वीं 12वीं का कोई भी सर्टिफिकेट वो यहां पे लगाएंगे। अगर मान लीजिए ये सर्टिफिकेट भी उन्हें कहीं से नहीं मिल पा रहा है तो अपना वोटर कार्ड भी लगा सकते हैं प्रूफ के तौर पे। इसके अलावा आपका राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड जो है यहाँ पे इसलिए बोला गया है क्योंकि ये इस एप्लीकेशन या ये सर्विस उन्हीं को मिलेगी जो BPL फैमिलीज़ के अंदर में आते हैं या फिर जिनकी पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम है, उन्हें ही ये स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। आपकी बैंक की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अब एक बात आपको याद रखनी है कि जो आपकी बैंक की कॉपी यहाँ पर होगी वो आपकी फैमिली ID यानी कि PPP के अंदर वेरीफाइड होनी चाहिए। तो आपको किसी भी नज़दीकी CSE सेंटर पर जाकर वहाँ पे अपनी फैमिली ID के अंदर बैंक की कॉपी वेरीफाई करवानी होगी। एक काम, अगर आप ये वहाँ CSE सेंटर पे नहीं जा पा रहे हैं या फिर आप ये खुद करना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी बहुत वीडियोस मैंने डाल रखे हैं कि किस तरह से आप अपनी बैंक इन्फॉर्मेशन को फैमिली आईडी के अंदर वेरीफाई करवा सकते हैं। इन सभी वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप क्लिक करते जाइएगा और एक एक करके अपने सारे काम यहाँ पर डन कर सकते हैं। जैसे कि ये रेजिडेंस सर्टिफिकेट आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, साथ में ही बैंक कॉपी को भी फैमिली आईडी में अपडेट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इस स्कीम के अंदर और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स और किस तरह से इस फॉर्म को हमें फिल करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और गूगल पे लिखना है सरल हरियाणा। ये लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है और इस तरह से एक पेज आपके सामने खुल जाएगा। अगर आपने इस पेज के ऊपर अपना लॉगिन पहले से बना रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करके जो लिखा है इस पर क्लिक करके आप दोबारा से रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। अपनी ईमेल आईडी डालकर, मोबाइल नंबर डालकर और कैप्चा डालकर एक OTP आपके पास आएगा, वो डाल के आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। अब मेरे पास ये सब कुछ पहले से ही है तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल के इसको लॉगिन कर लूँगी। लॉगिन करने के बाद मेरे पास इस तरह से एक पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल इसके लेफ्ट साइड में अप्लाई फॉर सर्विसेज यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर क्लिक करना है व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज के ऊपर और यहाँ पे एक बहुत लंबी लिस्ट खुल जाएगी सर्विसेज की। यहाँ पे सर्च लगा हुआ है, सर्च पे आपको यहाँ पे आके लिखना है लाडली और ये लिखा आ जाएगा आपके पास लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस। आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे आप अपने दूसरे पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे बोला जाएगा कि क्या आपके पास फैमिली आईडी है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं क्योंकि ये हरियाणा सरकार की स्कीम है तो फैमिली आईडी सबके पास होगी ही, इसलिए आप यहाँ पे अपनी फैमिली आईडी डालेंगे। फैमिली आईडी डालने के बाद आप यहाँ पे OTP डालेंगे जो आपके फ़ोन पे आएगा। OTP डालने के बाद आप अब नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहले से ही उठ के आ जाएगी, जिसके अंदर सबसे पहला यही हुआ कि क्या माता इस केस में ज़िंदा है। तो अगर माता ज़िंदा है तो आप येस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। एक और इसकी जो शर्त है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि इस केस में जो है माँ के जीवित होने की स्थिति में माँ ही इसमें एप्लीकेंट हो सकती है, ठीक है। इसमें पिता तब आवेदन नहीं कर सकता है अगर माँ जीवित है, और दोनों ही केसेस में माता या पिता दोनों की ही उम्र 45 या 45 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि मान लीजिए, मैं आपको भी एक लेटेस्ट केस बताती हूँ, यहाँ पे पिता की उम्र जो है वो 45 साल से ऊपर है और माता की उम्र 40 के अराउंड है, तो हाँ इस केस में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, पर फॉर्म माता के नाम पर भरा जाएगा, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो मदर को सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पर एक लंबी लिस्ट खुल जाएगी पूरे परिवार की।
यहाँ पे जो भी माता का नाम होगा आप सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आप अपने पिता का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी एज होगी माता और पिता की ये खुद ब खुद फैमिली आईडी से उठ के यहाँ पे आएगी। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक टू फेच डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट पे, तो यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल्स जो होंगी जिसके नाम पे भी ये फॉर्म भरा जा रहा है माता के नाम पे या पिता के नाम पे, वो पूरी डिटेल खुल जाएगी। अब पूरी डिटेल खुलने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि कितने बेटे हैं, तो ऑब्वियसली ये फॉर्म वही भर सकते हैं जिनके घर में बेटा नहीं है, तो यहाँ पे आपको जीरो फिल करना है। इसके अलावा आपके पास कितनी बेटियाँ हैं उसमें आपको वो संख्या यहाँ पे भर देनी है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपकी अपने आप ही फैमिली आईडी से उठ के यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपसे उन सब की इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपको उनकी फोटो वगैरह हर चीज़ अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आप इस केस में माता एप्लीकेंट रहेगी क्योंकि उनकी माता जिंदा है, तो यहाँ पे उनकी फोटो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी लोकेशन बतानी है, लोकेशन के केस में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी ब्लॉक है और जो सिटी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसे करने के बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, आपके IFSC कोड और बैंक नेम, इन सबको ध्यान से चेक कर लेना है। ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे नहीं भर सकते हैं, लाडली का फॉर्म भरने के लिए पहले फैमिली आईडी में जाके आप ये सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करेंगे, और जब ये फॉर्म खुलेगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद वहाँ से उठ के आएगी। हाँ, बैंक नेम जरूर आपको ये ऑप्शन देंगे कि कौन सा बैंक है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि बाद में जब पेंशन लगे तब कोई समस्या ना खड़ी हो। अब अगर आगे बात करें तो इसके अंदर आपकी बाकी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपकी जाति कौन सी है, आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। आप हरियाणा के निवासी हैं, आपकी एनुअल इनकम कितनी है वो भरना है। अभी जितने भी आपकी बेटियाँ हैं उन सब की एक एक करके डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी है। जैसे यहाँ पे चाइल्ड 1 लिखा है तो पहले बच्चे का नाम पूछा जाएगा यहाँ से पे आपको, और ये पूछा जाएगा कि उनका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, तो वो आप फीमेल फिल करेंगे यहाँ पे। और इसके अलावा आपसे यहाँ कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही भरी हुई होगी। हाँ, यहाँ पे आपको बच्चे की फ़ोटो जो है वो अपलोड करनी है। इसे करने के बाद ऐसे ही आप बाकी बच्चों के साथ भी करेंगे, जितने भी मतलब यहाँ पे बेटियाँ होंगी। मेरे केस में यहाँ पे 4 बेटियाँ हैं, तो चारों की ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं एक एक करके डालूंगी, जिसमें कि बच्ची का नाम सिलेक्ट करूंगी, जेंडर सिलेक्ट करूंगी और उसकी फ़ोटो मैं अपलोड करती जाऊंगी। तो ये चारों इन्फॉर्मेशन डालने के बाद मेरे पास लास्ट में इस तरह से आ जाएगा कि प्री वेरीफिकेशन के लिए, कि किसकी वेरीफिकेशन करवाई है आपने यहाँ पे। तो इस केस में यहाँ सरपंच की वेरिफिकेशन करवाई गई है और उनका नाम यहाँ पे लिख दिया गया है। अगर आप शहर में रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी के खुल जाएंगे। अब आई एग्री के बटन पे क्लिक करके आप ये कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट के ऊपर फिल कर देंगे। जैसे ही सबमिट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, और प्रोसेस होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से ये फॉर्म पूरी का पूरा खुल जाएगा। जैसा कि ये फॉर्म आपके पास खुला है, इसमें आपकी सारी डिटेल्स एक बार पूरी दिखाई गई है जो आपने इससे पहले वाले फॉर्म में भरी है। अगर आपको ये सारी डिटेल्स बिल्कुल ठीक लगती हैं तो यहाँ पे आप अटैच एनेक्सर के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये जो बटन नीचे बना हुआ है इस पर क्लिक करने से पहले आपको याद रखना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास तैयार रखने हैं। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उसमें सबसे पहले आती है आपकी प्री वेरीफिकेशन डॉक्यूमेंट। ये प्री वेरीफिकेशन डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा दिया है, वहाँ से आप इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है, तो जब आप यहाँ पे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज में गए थे वहाँ पे आपने लाडली लिखा था, तो जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया होगा ये डॉक्यूमेंट सबसे पहले वहाँ पे आ गया होगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यही प्री वेरिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट था, जो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी कैसा लगता है, ये वाला डॉक्यूमेंट यहाँ पे दोबारा आप सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस केस में यहाँ पे 4 बच्चे हैं, 4 बेटियाँ हैं, तो चारों का ही बर्थ प्रूफ मुझसे यहाँ पे मांगे गए हैं, तो मैंने चारों के बर्थ प्रूफ यहाँ पे डाल दिए हैं। हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, ये इनकी माता का डाला है। इसके अलावा बर्थ एज प्रूफ, ये भी माता का बर्थ एज का प्रूफ था, तो कोई और प्रूफ ना होने की वजह से इस केस के अंदर वोटर आईडी कार्ड डाला गया था। वैसे उनके पास उनका सर्टिफिकेट भी था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 जो बाकी के 2 बच्चे हैं उनका बर्थ एज प्रूफ मांगा है, यानी कि उनका जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है वो डाला है। एडिशनल डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे आप अपना राशन कार्ड, BPL कार्ड भी लगा सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद आपको क्लिक करना है सेव एन एक्सर के ऊपर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप हो जाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इस तरह से दिखने लग जाएगी। अब आप यहाँ पे जैसे ही फाइनल पेज पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे वो आपको इस तरह से दिखने लग जाएंगे। जो भी रिपोर्ट आपने लगाई थी, पहले बच्चे का, दूसरे बच्चे का, तीसरे बच्चे का, चौथे बच्चे का, जितना भी प्रूफ यहाँ पे चाहिए था इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग 4 बच्चों का चाहिए था। यहाँ पे रेजिडेंट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, जो एप्लीकेंट है उसका बर्थ एज, और ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है। अगर आप देखना चाहते हैं किसी भी कागज को तो आप इनमें से किसी भी ब्लू वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा। जो फॉर्म अभी मैंने यहाँ पे खोला है यही वो प्री वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे एक साइड में फोटो लगती है और यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आप प्रॉपर भरेंगे इसके अंदर। इसके अंदर उनके बैंक डिटेल्स भरेंगे प्रॉपर, यहाँ पे स्टैम्प साइन सब लगवाएंगे, नीचे बच्चों की पूरी डिटेल भरी जाएगी, साइन होंगे जो इस फॉर्म को भर रहे हैं, और इसके बाद ये फॉर्म जो है आगे सबमिट के लिए जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर जैसे ही ये पूरा फाइनली सबमिट कर देंगे तो आपके पास इस तरह से एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपके फाइनल सबमिशन की एप्लीकेशन है, यानी कि इसके अंदर आपको आपका सरल आईडी का नंबर मिल चुका है और यहाँ पे बता दिया
दिया गया है कि आप कहाँ से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है। अब आपको क्या करना है, ये जो फॉर्म आपके सामने अभी खुला है इसका प्रिंट निकलवाना है। इसके प्रिंट को लेके प्लस आपको जितने भी कागज अभी आपने अपलोड किए थे, दोबारा से आप एक बार उन कागजों के बारे में सुन लीजिए। इसके अंदर आपका बर्थ एज प्रूफ आएगा, यानी कि जिस बच्चे के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट इसके अंदर लगेगा, प्लस इसके अंदर जो मदर है उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। मदर का बर्थ सर्टिफिकेट तब लगता है जब इफ इन केस वो जिंदा है, अगर किसी भी केस में मदर जिंदा नहीं है तो फादर का बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा। आपको अपना राशन कार्ड लगाना है प्रूफ करने के लिए कि आप BPL हैं। इसके अलावा आपको अपनी फैमिली ID लगानी होती है, आपको बैंक की कॉपी लगानी होती है। इसके अलावा आपको जो प्री वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट आपको दिखाया था, जो अपलोड जो आप प्रिंट निकालेंगे जिस पे साइन करवाएंगे सरपंच या MC के, वो वाला डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगाना है। और इसके अलावा अपनी वोटर कार्ड को भी पक्का आप यहाँ पे लगाइए। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं इन सबको सेल्फ अटेस्टेड करके नीचे साइन करके इन सबकी फोटोकॉपीज, प्लस जो ये वाला कागज, ये पूरा कागज यहाँ पे निकला है, इसका प्रिंट आउट लेके आप अपने नज़दीकी पेंशन विभाग में जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, वहाँ जाके आप इस पूरे की पूरी फाइल को सबमिट कर देंगे। साथ के साथ ही वो आपको ये बात बता देंगे कि इसमें कोई कमी पेशी है या नहीं। अगर सब कुछ सही होता है तो वो आपकी फाइल को ले लेंगे और प्रोसेसिंग के लिए आगे लगा देंगे, ठीक है। 1-2 महीने के अंदर अंदर सारी वेरिफिकेशन के बाद आपके पास आपकी पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपकी पेंशन वहाँ से अप्रूव होती है तो एक बार कॉल करके या आपको मैसेज करके ईमेल करके भी ये बात बता दी जाएगी। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, फिर भी किसी तरह की कोई परेशानी आती है, कोई डॉक्यूमेंट बनाने में परेशानी आ रही है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, पूरी कोशिश रहेगी आपकी मदद करने की। इसके अलावा कोई भी और हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई स्कीम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।